नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे एक सिंपल सा बैटरी लेवल इंडिकेटर। हम इन तीन चीज़ों का यूज़ करके एक सिंपल सा बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए एक LED जो हमें बताएगा हमारा बैटरी का लेवल कितना है, और एक 1 kΩ का एक रजिस्टर, 5.1 वोल्ट का 2 zener डायोड। बस इतना यूज करके हम आज एक बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाएंगे। चलिए बनाना सीख लेते हैं। देखिए, जो LED है इसका 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। अब देख सकते हैं जो बड़ा वाला दिख रहा है लेड, वो है पॉजिटिव का, और जो छोटा वाला है वो है नेगेटिव का। अब ये जो 1 kΩ का जो रजिस्टर है, हम इसको LED के नेगेटिव पर लगा देते हैं। और ये जो जेनर डायोड है, इसका भी 2 पॉइंट है, यह एनोड साइड, यह कैथोड साइड। सो इसका जो एनोड साइड है, हम इसको LED के पॉजिटिव यानी कि LED के एनोड साइड में लगा दिया, और एक वही 5.1 वोल्ट का जेनर डायोड वैसे लगाएंगे। इस जेनर डायोड का कैथोड पर इस जेनर डायोड का एनोड को लगा देते हैं, मतलब कि 2 जेनर डायोड हम यहाँ पर सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं। ये जो बैटरी लेवल इंडिकेटर हमारा है, ये 12 वोल्ट के लिए है। अगर 12 वोल्ट से बैटरी की वोल्टेज कम हो जाता है, मतलब कि 12 वोल्ट से अगर 11 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट तक बैटरी का वोल्टेज आ जाता है, तो जो इंडिकेटर है ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट में यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो डायोड हमने 2 लगाया है, इसको आप चेंज करके दूसरे वैल्यू में लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पर 6 वोल्टेज के लिए बनाएंगे तो सिर्फ 1 जेनर डायोड यूज करेंगे। अगर 3.7 वोल्ट के लिए बनाएंगे तो ये 5 वोल्ट की जगह हम वहाँ पर 3.3 वोल्ट का जेनर डायोड यूज करेंगे। वैसे ही हमारा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है जनरेटर। चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस की साइड है, यहाँ पर हम देंगे नेगेटिव को, और यहाँ पर डाल देंगे हम पॉजिटिव को। यहाँ पर एक मल्टीमीटर लेते हैं, ये हमारा एक 12 वोल्ट का DC सोर्स। देखिए, इसमें शो कर रहा है 12.6 वोल्ट। हम यहाँ पर इसके पॉजिटिव को यहाँ इसके पॉजिटिव पर देते हैं, इसके नेगेटिव को नेगेटिव पर। देख सकते हैं अभी LED ग्लो कर रहा है, क्योंकि अभी इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट से ज़्यादा है। अगर हम 12 वोल्ट से कम वोल्ट यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं 9 वोल्ट का एक बैटरी, चलिए इस पर चेक करते हैं। देख सकते हैं LED ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट से कम है, क्योंकि हमने जो बैटरी यूज किया है ये 9 वोल्ट का है, और ये जो LED है ये तब ग्लो करेगा जब इसका सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। अगर 12 वोल्ट से वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा तो ये LED ग्लो करना बंद हो जाएगा। अब चलिए हम इसको सर्किट को समझ लेते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करता है। देखिए, इस सर्किट में हमने यूज़ किया है एक रेजिस्टेंस, एक LED, 2 जेनर डायोड। हमने यहाँ पर 2 जेनर डायोड को सीरीज कनेक्शन किया है, मतलब कि 5.1 एंड 5.1, 5.1 प्लस 5.1 यानी कितना हो गया 10.2 वोल्ट का। हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं कितना, 12 वोल्ट, और हमारा जेनर डायोड कितना हो गया 10.2 वोल्ट का। तो ये हमने जो 12 वोल्ट का सप्लाई दिया तभी LED ग्लो कर रहा है। हमने यहाँ पर जो 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, और हमारा जो जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो है 10.2 वोल्ट का, मतलब कि ये 12 वोल्ट से बहुत ही कम है।
तो हमने जो सप्लाई दिया है 12 वोल्ट मतलब कि 10.2 वोल्ट से वो ज़्यादा है, तो ये जनरेटर क्या कर रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है और उसको भेज रहा है कहाँ पर, एलईडी तक। इधर से नेगेटिव आ रहा है और इधर से आ गया पॉजिटिव, तो ये एलईडी ग्लो करने लगा। अगर यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट से कम हो जाता है, मतलब कि अगर 10 वोल्ट हो गया या फिर 10.2 वोल्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, जो जनरेटर है उस सप्लाई को रोक लेगा, मतलब कि इस यहाँ से यहाँ तक नहीं आने देगा, यहीं पर इसके अंदर ही रोक लेगा। तब क्या होगा कि ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। अगर फिर से वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तो ये जनरेटर उसको फिर से अलाउ करेगा और फिर से एलईडी ग्लो हो जाएगा। तो ये सर्किट इसी तरह काम करता है। अगर आप 12 वोल्ट की जगह यहाँ पर 6 वोल्ट यूज कर सकते हैं, 5 वोल्ट यूज कर सकते हैं, 4 वोल्ट यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये जो जनरेटर का वोल्टेज है उसको बढ़ाना है और कमाना है। अगर आप बैटरी का वोल्टेज कम करना चाहते हो तो इस जनरेटर का वोल्टेज आपको कम करना पड़ेगा, और अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो तो जनरेटर का वोल्टेज भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सर्किट इसी तरह काम करता है।